कि बाबर आजम की सिफत है, बाबर आजम 3 साल से पाकिस्तान की मीडिया में गालियां ही खाता है बेचारा। तो दोस्तों एक वीडियो नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल एक सोशल मीडिया पे एक मुहिम चली हुई है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाओ, ये करो वो करो। कि बाबर आजम की सिफत है, बाबर आजम 3 साल से पाकिस्तान की मीडिया में गालियां ही खाता है बेचारा। वो टीम जीतती है उसकी कप्तानी में तब भी बाबर को कहते हैं इसको क्या हरा दिया, 100 बनाता है, ये क्या 100 हुआ, 90 बॉल में 100 हुआ, ठीक है। बट बाबर ने ये भी फेस किया, ये पर्ची का दोस्त है, ये इसके दोस्ती करता है। बाबर ने टीम वो बनाई, बाबर आजम ने मैच से पहले का। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना ये इंडियन मीडिया था, तो आपने सुना होगा कि जिस तरह आप बाबर आजम के बारे में मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे हमारे फार्मर क्रिकेटर्स और बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, जी ये किया जाए, टीम में तब्दीलियां की जाए, ये किया जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पता नहीं क्या चाहते हैं ये आवाम। ये वही बाबर आजम है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम कहां पर थी, 7वें 8वें नंबर पर थी और इसको पहले नंबर पे लेके आए। ये वैसे नहीं आती रैंकिंग में टीम, ये बाकी टीमों को बीट करना पड़ता है, उनको हराना पड़ता है, फिर जाके टीम जो है रैंकिंग में आती है। और जो ये बात कर रहे थे कि ये रैंकिंग वैंकिंग कुछ मैटर नहीं करती, मुल्क की इज्जत मैटर करती है, जो ये इज्जत की बात कर रहे हैं वो शायद उनको खुद को पता नहीं है कि शायद वो मुल्क की इज्जत बेच के और फिर यहाँ पर आए बैठे हैं। आपने वो देखा होगा कुछ बयान चल रहे हैं वहां पर, मोहम्मद आमिर साहब कुछ अलग से कह रहे हैं और इमाद वसीम साहब कुछ अलग से कह रहे हैं। आमिर साहब कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये रैंकिंग हो ये हो मैटर नहीं करती। भाई सब मैटर करता है, ये सब इस तरह बच्चों का खेल नहीं है, ये इसके लिए परफॉर्म करना पड़ता है इसके लिए और फिर जाके रैंकिंग आती है। रैंकिंग आपने देखा होगा वो शुभम गिल की रैंकिंग किस तरह बढ़ती रहती है, क्यों बढ़ती है वो, क्योंकि वो भाई परफॉर्म करता है तो नंबर 2 पे है, आज हो सकता है नंबर 1 पे भी आ जाए वो। बाबर आजम से 1-2 इनिंग परफॉर्म नहीं हुई उनकी रैंकिंग डाउन होगी, परफॉर्म करना पड़ता है। उसके अलावा जो टीम की रैंकिंग होती है वो अब क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि टीम जब जीतती है बाकी टीमों से जीतती है तो फिर जाके जो है टीम की रैंकिंग ऊपर होती है, तो रैंकिंग मैटर करती है। बाकी आपने जो इस बात की कि मुल्क की जीत मैटर करती है, मुल्क की इज्जत मैटर करती है, यार आप तो ये बात करें ही ना, क्योंकि आप तो मुल्क की इज्जत हर किसी को पता है कि आपने क्या किया मुल्क की इज्जत के साथ। और दूसरा वो इमाद वसीम साहब, भैया मानते हैं कि आप अच्छे स्पिनर हैं, ये क्या बात हुई कि बाबर आजम को आपसे माफी मांगनी चाहिए किस, मुझे तो इन लोगों की एक मेंटेलिटी की समझ नहीं आती भी किस चीज की आपसे माफी मांगनी चाहिए, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। आप भी तो थे 2021 में, आप टीम का हिस्सा थे, उससे पहले भी आप टीम का हिस्सा थे, आपने भी तो खाए वो वार्नर से, पर 4-4 छक्के आपको लगते थे ओवर में। उसके अलावा आप आइए मीडिया पे ये सारी मुहिम चल रही थी यार, इसको शदाब खान को रेस्ट कराओ, शदाब खान को रेस्ट कराओ, उसके बाद जो उसामा मीर को लेके आओ, उसामा मीर को लेके आओ टीम में, उसामा मीर को लेके आओ टीम में, उसको भी लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने देख लिया क्या हल किया उसने, एक आसान सा कैच छोड़ दिया। अब बाबर आजम यहाँ पर क्या करे भाई, वो टीम में अब वो आसान सा कैच था, वो कैच पकड़ लेता शायद मैच के पास ही पलट जाता। वो बाबर आजम बेचारा इतना टेंशन में, उधर से कुछ सुन रहा है, उधर से कुछ सुन रहा है। अब यही खिलाड़ी आप देख लें डोमेस्टिक खेलते हैं, ये खिलाड़ी डोमेस्टिक में वहां पर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां पर ये रन करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल में जाते हैं इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि उनको पता है कि सारे जो है बाहर के बैठे वो जो चने दे के आए बैठे ये बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने हर किसी ने अपने मशवरे देने भी, आप ये करें वो करें, वो खिलाड़ी बेचारे इस जो है सोच में वो मर जाते हैं, वो पहले ये सोच में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार अगर हमसे परफॉर्मेंस ना हुई, हमने ये कर दिया तो शायद हम टीम से निकल जाएं, शायद वो उनके ऊपर प्रेशर इतना हो जाता है कि उन बेचारों से परफॉर्मेंस नहीं होनी पड़ती। यार आप उनको फ्री हैंड दे के तो देखें, बाबर आप ठीक है बाबर आजम कप्तानी से हटा दें, आप किसको बनाएंगे, आप शाहीन अफरीदी को बनाएंगे जो साल में 3 महीने से 4 महीने टीम में होते हैं बाकी इंजर रहते हैं, वो इंजरी का मजाक मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ यार उसको आपने अगर कप्तानी बनाया उसको फ्री हैंड तो दें। क्या होगा अगर एक मैच हार दिया, वो आपकी जो ये चैंपियन थी इंग्लैंड, वो पिछले दफा वर्ल्ड कप जीती है 2019 में वर्ल्ड कप जीती है, वो टॉप की टीम थी, अब वो बॉटम पे, तो इसका क्या मतलब। उनके मीडिया में तो हमने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी, ये पाकिस्तानी मीडिया ही हर कोई बाबर आजम के पीछे लगा हुआ है, हर कोई बाबर आजम के पीछे लगा हुआ है, इंडियन मीडिया तो उनकी सुन लें, यहाँ पर सुन लें भाई। बात यह है कि इनको चाहिए एक टॉपिक, इनको पता है कि बाबर आजम बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा है, अगर हम बाबर आजम के बारे में बात करेंगे तो हमारे व्यू आएंगे, हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, हमारे जेब में पैसा आएगा। ये सारे क्रिकेटर को जो ये आप अगर अक्सर देखा होगा आपने, जो ये चैनल वाले जितने भी चैनल हैं ये सारे जो है वर्ल्ड कप के दौरान ये इस तरह की सीरीज के दौरान ये क्रिकेटर्स को ही क्यों बिठाते हैं वहां पर, जो ये तजिया करते हैं फार्मर क्रिकेटर्स को,
इसलिए बिठाते हैं कि वो कोई इस तरह तंजिया बातें करते हैं वो, और उसके बाद जो है वो उनकी दुकान चलती रहे, उनके व्यूज आते रहे। अब बाबर आजम के खिलाफ जिस तरह वो बात करेंगे, उनको पता है बाबर आजम के खिलाफ आजकल जो टॉपिक चल रहा है, बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ, ये हर किसी ने ये बस टॉपिक बनाया हुआ है, हर कोई इसी के ऊपर वीडियो बना देता है, हमने भी बना दिए। इसके मतलब ये तो नहीं है कि बस हर कोई बाबर आजम के पीछे लगा हुआ है यार, उसको कप्तानी से हटाओ। जो टिकटॉकर्स हैं, वीडियो बनाते हैं, जो कैमरे के आगे आके डांस करते हैं, उन लिपसिंग करते हैं, वो भी बाबर आजम को मशवरा देते हैं, भाई इस तरह खेलो, ये ना करो। मैं तो यार इतना मतलब पागल हो गया, वो मैं एक वीडियो देख रहा था, माज सफदर जो आपने यूट्यूब पे अक्सर देखा होगा उनके व्लॉग वगैरह, अब वो कह रहे थे, वो बता रहे थे बाबर आजम को कि लेग बिफोर जो है आप किस तरह खेलते हैं, कि बाल कहाँ है, बैट कहाँ है। भाई यार मुझे समझ नहीं आती, वो बंदा पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला है, वो वर्ल्ड नंबर वन ऐसे नहीं बना, जो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको टॉप फोर में टॉप फाइव में जगह दी वैसे नहीं दी, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जो उसका नाम लिया है, सचिन तेंदुलकर हो गए, रिकी पोंटिंग हो गए, बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने उसकी तारीफ की है, वैसे नहीं कि उसकी टेक्निक है, भी वो खेलता है। अगर यही प्लेयर पाकिस्तानी, ये बाबर आजम इंडियन टीम में होता या उसके अलावा किसी दूसरी टीम में होता, इंग्लिश टीम में होता, तो फिर आप देख लेते इसकी कि पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा होती। भाई ये प्लेयर बहुत बड़ा है, आप उसको कप्तानी दी, आप उसको फ्री हैंड तो दें, क्या हो गया अगर एक मैच अफगानिस्तान से हार गया पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तानी टीम जो है बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई। इससे पहले आप जो ये हमारे जो ये साबिक क्रिकेटर्स हैं जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इंटरनेट बाकी मीडिया पे बैठ के, इनकी परफॉर्मेंसेस भी हमने देखी हैं, आपने माजी में देखा होगा। हाँ कि मेरी उम्र, मैंने इस उम्र में, मेरी 20-22 साल उम्र है, मैंने भी इस उम्र में जो इन सारे क्रिकेटर्स की जो भी परफॉर्मेंसेज हैं मैंने देखी हैं, वो तो शायद अफरीदी थे, वो कोई 10-15 मैच के बाद कोई एक आध मैच जितवा देते थे बस, वो फिर सारी जो इमोशनल तो है ही हम सारी एशिया के वहां, वो फिर भूल जाते हैं सारे, भाई वो क्या हुआ है माजी में, क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ भूल जाते हैं वो। तो भी वही टीम है, ये 250 के स्कोर चेस करते हुए 200 पे कोई आउट नहीं होता और 200 बीट्स पे सारी टीम आउट हो जाती थी, तो ये वो टीम है। ये आप बाबर आजम आया है टीम में, लड़कों में जान आई है, वो जेल हुए हैं, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, आपने एशिया कप में भी देखा, 2021 के वर्ल्ड कप में देखा, 2022 में भी देखा, उसके बाद 2022 के एशिया कप में देखा, अब भी उसको देख लें यार, उसको परफॉर्मेंसेज तो उसको करने दें, उसको फ्री हैंड तो दें, ये क्या उसके खिलाफ आपने मुहिम चला दिया। तो बस मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ी होगी, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो ये छोटी सी मुहिम थी, खुदा रहा आप भी जो है इस तरह की पोस्ट बिल्कुल ना करें कि बाबर आजम के खिलाफ कोई भी इस तरह की, वो हमारे कप्तान है, वो हमारे पाकिस्तान की शान है, आन है, उनकी वजह से हम पाकिस्तान के वजह नाम जो है बाहर के ममालिक में उनकी वजह से नाम जो है रोशन होता है। तो आप जो है बाबर आजम को खेलने दें, पाकिस्तान टीम को खेलने दें, ये वर्ल्ड कप पूरा खेलने दें, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना डालें। पीसीबी से भी यही गुजारिश है कि वर्ल्ड कप के दौरान कोई इस तरह का बयान ना दें और खिलाड़ियों को जो है फ्री हैंड दे दें, ताकि वो लड़के जो है एक अच्छा कॉन्फिडेंट होके खेल सकें। वो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।